हेलो एवरीवन, मैं बिकॉल एज स्पीकिंग बात करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ग्रामीण चिकित्सकों से रिलेटेड यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें 24 जून को जो है यहाँ पर ग्रामीण चिकित्सकों सेवा समन्वय समिति का पूरे बिहार का यहाँ पर मीटिंग हुआ था, जिससे रिलेटेड जो है हर जिले के अध्यक्ष जो है वहाँ पर उपस्थित थे। उसमें जो है बहुत ही अहम बैठक हुई थी, जिसमें अहम बातों पर चर्चा हुई थी, जिसमें अनुत्तीर्ण जो साथी हैं उन लोगों को जल्द ही परीक्षा का जो सूची है वो जारी करने की बात यहाँ पर निकाली गई थी। और जल्द ही जिन 8,000 ग्रामीण चिकित्सकों को प्रमाण पत्र नहीं मिले थे उनको जो है प्रमाण पत्र दे दिए जाएंगे, इन बातों पे वहाँ पे चर्चा किए गए थे। और भी बहुत सारी बैठक और भी बहुत सारी बातों पे चर्चा हुई थी, उन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे और उन सारी बातों को जानेंगे कि क्या क्या चर्चाएं हुई थी। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक मेरे बेरोजगार योद्धा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, धन्यवाद। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और उस नोटिफिकेशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का ये न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो कि इनके अध्यक्ष का यहाँ पर न्यूज़ है, जहाँ पर ये दिखाया जा रहा है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ग्रामीण चिकित्सक सेवा समन्वय समिति पटना बिहार के प्रांत स्तरीय बैठक की आज दूसरी कड़ी 24 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई, जिनमें पूर्णिया, कोसी, भागलपुर एवं दरभंगा प्रमंडल के प्रमंडल प्रभारी के साथ 15 जिलों के जिला अध्यक्षों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनिवास सिंह एवं संचालन प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने किया। प्रदेश सचिव डॉक्टर विनोद झा, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर पासवान, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर पवन कुमार ने मुख्य रूप से यहां पर भाग लिया, जो कि 24 जून को यहां पर बैठक हुई थी, जिसमें हर जिले के जो अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, उन लोगों ने भाग लिया और उनमें बैठक में क्या क्या बातें हुई उन सारी बातों को हम यहाँ पर बताते चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बैठक में भाग लिए तमाम जिला अध्यक्षों ने अपने अपने विचारों को प्रमुखता से रखे, साथ ही प्रदेश के पदाधिकारियों के मार्गदर्शन प्राप्त किए। बैठक में निर्णय लिया गया कि संगठन को गांव पंचायत स्तर तक सुदृढ़ रखना है। प्रत्येक सदस्य को फोटोयुक्त सूची जिला एवं प्रदेश कमेटी की प्रस्तुति करनी है। जिला मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालयों में संस्था के कार्यालय निश्चित रूप से खोलते ही निरंतर मासिक बैठक एवं वार्षिक सम्मेलन करनी है। साथ ही सभी सदस्यों को अविलंब सदस्यता शुल्क जमा कर सदस्यता का नवीकरण करवाना है। प्रशिक्षण में उत्तीर्ण साथियों को बहुत जल्द ही प्रमाण पत्र एवं सेंटर में देने की तैयारी यहां पर चल रही है, यानी कि जिन लोगों को जो उत्तीर्ण लोग हैं वो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, उन लोगों को जो है प्रमाण पत्र नहीं मिला है, उन लोगों की तैयारी चल रही है और बहुत जल्द ही जो है उन लोगों की प्रमाण पत्र जो है वो दे दी जाएगी। और क्या समस्या यहाँ पर निकल कर आ रही है, कुछ प्रमाण पत्रों में फोटो की समस्या है, उसे दूर किया जा रहा है। और दूसरी नंबर बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि अनुत्तीर्ण साथियों को भी बहुत जल्द ही परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। जो अनुत्तीर्ण थे, जो पास नहीं कर पाए थे, उन लोगों को जो फिर से है परीक्षा की तिथि जो है जल्द ही घोषित कर दिए जाएगी, जो कि कोरोना वायरस के कारण, वैश्विक महामारी के कारण जो है व्यवस्थाएं में बाधाएं आई है, जो कि कोरोना वायरस के कारण जो है वैश्विक महामारी के कारण जो है बहुत ही बाधाएं आ गई है, जिस कारण से जो है यहाँ पर एग्जाम नहीं हो पाई है या फिर जो भी है सर्टिफिकेट नहीं हो पाया, या ग्रामीण चिकित्सकों की जो बहाली होने वाली थी उन सभी में जो यहाँ पर बाधाएं अटकी हुई है। उसी दूसरी नंबर बात यहाँ पर क्या कही जा रही है कि चर्चा में सदस्यों ने कहा है कि धन है हमारे संरक्षण डॉक्टर एलबी सिंह सर एवं डॉक्टर श्रीनिवास बाबू, जो कोरोना वायरस की इस महामारी वाली स्थिति में भी हमारे लिए कार्य करते रहे और हमारी सुधि लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क बनाए रखे। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कॉन्फ्रेंसिंग के संबोधन में हमारे ग्रामीण चिकित्सक कहकर सम्मान देने का कार्य किए हैं। हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के हित में विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी सुझाव लिया जा रहा है, बहुत जल्दी हमारी उम्मीदें पूरी होंगी। वही डॉक्टर एलबी सर एवं श्रीनिवास बाबू हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के मसीहा है, जिन्होंने अथक प्रयास से हमें भटके हुए लोगों को एक सूत्र में बांधकर एक निश्चित स्थान दिलाने का सफल प्रयास करते हुए कृति स्थापित किए हैं। ऐसे महान हस्ती को हम सदैव ऋणी रहेंगे, जो हमारे लिए कटिबद्ध हैं। वही दूसरी नंबर बात क्या है कि अफसोस है कुछ असामाजिक तत्व अपने आप को ग्रामीण चिकित्सक का नेता बताकर हमारी संस्था को तोड़ने एवं डॉक्टर एलवी सर एवं डॉक्टर निवास बाबू के बारे में फेक न्यूज फैलाकर दिग्भ्रमित करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। इन गद्दारों को मुंह काला करते हुए तमाम जिलों के साथियों ने एकजुटता दिखाते हुए मुंह तोड़ करारा जवाब दिया। हमें अपनी संगठन पर गर्व है,
बहकाने वाले ऐसे दृष्ट गद्दारों को अपनी कोई पहचान नहीं है, बगैर काम किए हुए हलवा खाने वालों में से है। हमारी कामयाबी को बाधित करने वालों के नापाक कोशिश में कुछ ही कुछ अफवाह फैलाकर नेता बनने की इनकी मंसूबा कभी सफल नहीं होगी। साथियों से निवेदन है कि अपनी संस्था GCSSS द्वारा दी गई न्यूज पर विश्वास करें एवं ऐसी मतलबी दृष्टि प्रवृत्ति के लोगों को सबक सिखाया। जिला अध्यक्षों में किशनगंज के डॉक्टर भरत भूषण, मधेपुरा के डॉक्टर पवन कुमार, अररिया के डॉक्टर ऋषभ कुमार एवं तमाम जो ग्रामीण चिकित्सक संघ के जो जितने भी अध्यक्ष थे, कोषाध्यक्ष थे, उन सभी ने जो है यहाँ पर भाग लिया था और इन सारी बातों पे, इन सारे मुद्दों पे जो है चर्चाएं हुई थी और इन सारी बातों पे यहाँ पर बहस निकल कर आई थी। और बहुत सारी ऐसी भी तत्वें निकल कर आ रही है जिसमें जो है अफवाहें फैलाई जा रही थी बहुत सारी ऐसी संस्था के द्वारा। उन सारी बातों पे भी यहाँ पर संगठन के द्वारा जो है इन सारी बातों पे भी चर्चाएं हुई है कि उन अफवाहों पे जो है ध्यान नहीं देना है। हालांकि ये 24 जून के यहाँ पर मीटिंग की बैठक, यहाँ पर चर्चा के सारी दृश्य को मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपके इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये समझाया है। ये जो जानकारी है पूरी 100% या 100% दिखाई गई है, 100% जो है यहाँ पर सत्य बातें हैं, इसमें कोई भी ऐसी बातें जो है फेक न्यूज़ नहीं दिखाई गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।